OnePlus 9RT। हाँ गाइज, आप लोग जानते हैं कि OnePlus की तरफ से OnePlus का 9RT आने वाला है और बहुत सारे लोग इस फोन का इंतजार कर रहे हैं। तो पूरा देखिए, जल्दी वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट कर लें गाइज। यहाँ पे जो OnePlus का 9RT होने वाला है, बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है। और हम सबसे पहले मैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन में आऊँगा, देन बाद में बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। सबसे मैं आ जाता हूँ फोन के बिल्ड डिज़ाइन में, क्योंकि 9R जैसा ही आपको यहाँ बिल्ड डिज़ाइन देखने मिल जाता है। तो डिज़ाइन के मामले में यहाँ पे फ़ोन इतना चेंज नहीं किया गया है, बट मुझे लगा था कि अगर कुछ और नया लुक देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। बट डिज़ाइन के मामले में आप कह सकते हैं एवरेज से लुक है, ना इतना बुरा है ना कोई इतना अच्छा है, तो ठीक ठाक आपके यहाँ पर डिज़ाइन देखने मिल जाता है। डिस्प्ले में जो आपको 6.62 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, फ्लोट एमोलेड पैनल मिल जाता है, साइड पंचोल मिल जाती है, 120 रिफ्रेशिंग रेट मिल जाता है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने मिल जाता है। तो डिस्प्ले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलने वाला है, बड़ा डिस्प्ले है। 9R से कंपेयर करोगे तो उससे बड़ा डिस्प्ले आपको दे दिया गया है इस बार, तो डेफिनेटली डिस्प्ले आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने मिल जाता है। चिपसेट में आ जाता हूँ, तो चिपसेट में बहुत बड़ा मेजर अपग्रेड किया है। पिछले बार आपको स्नैपड्रैगन 870 वाला चिपसेट था 9R में, बट इस बार आपको 9RT में जो है 888 5G वाला चिपसेट मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस के मामले में फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाने वाला है। गेमिंग आराम से हो जाएगी, हैवी टास्क पे मोबाइल करते हो तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाला है। मक्खन टाइप आपका फ़ोन चलने वाला है, क्योंकि चिपसेट स्नैपड्रैगन 888 5G वाला आपको देखने मिल जाता है। कैमराज में जो है वो आपको मेन कैमरा जो मिलता है वो आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का, आपको यहाँ पर कैमरा देखने मिल जाएगा, सोनी का सेंसर है, और यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट मिल जाएगा, अल्ट्रा वाइड भी मिल जाएगा, टेली माइक्रो लेंस भी आपको देखने मिल जाएगा। सेल्फी में जो है वो आप लोगों को जो है वो 16 पिक्सल की सेल्फी दी गई है। अब उसमें कन्फर्म नहीं है कि OIS का सपोर्ट मिलता है, 4K रिकॉर्ड कर पाओगे नहीं, उसका मुझे नहीं पता, बट रियर में आप जो है 4K रिकॉर्ड कर पाओगे एंड आप OIS का सपोर्ट आपको देखने मिल जाता है, जो मेरी सबसे अच्छी बात हो जाती है। बैटरी में जो है वो आपको यहाँ पर 4.5 mAh की बैटरी है, प्लस टाइप सी एंड 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है आजकल के ब्रांड को ना मतलब 50 वोल्ट से कम देना ही नहीं चाहिए। मतलब क्योंकि यार आप देख रहे हैं आजकल का ज़माना भाई इतनी तेज़ी से हो गया है, तो मुझे लगता है फ़ोन जल्दी चार्ज हो जाना चाहिए। वैसे भी इतने सारे सस्ते सस्ते ब्रांड आपके 20,000 15,000 के स्मार्टफोन में 50 वोल्ट चार्जिंग आजकल मिलता है, तो मुझे लगता है जब OnePlus हमसे इतना पे कर ले रहा है तो डेफिनेटली उनको अच्छा फास्ट चार्ज देखना चाहिए, और दिया भी उन्होंने 65 वोल्ट। मेरे हिसाब से 30 to 40 मिनट्स आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा, जो मेरे हिसाब से बढ़िया बात बन जाती है। गाइस ये है पूरा यहाँ पे OnePlus का 9RT, एंड लास्ट ऑफ ऑल इसका UI जो है वो उसमें आपको एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, यानी आपको ऑक्सीजन OS के साथ रन करने वाला है। उस पर टेंशन मत लेना, क्योंकि चाइना में ये कलर OS के साथ हुआ है, इंडिया में जो है ना ये आपको ऑक्सीजन OS के साथ ही मिलने वाला है, तो वो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अब फाइनली मैं 2 मेन चीज़ की बात करूँगा, प्राइस एंड लॉन्च डेट, देन वीडियो खत्म करते हैं। तो प्राइस जो है गाइस इस फोन का कहा जा रहा है, जो लीक्स आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, 42,000 रुपीज़ करीब इसकी लीक आई है। अब ये मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, और मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था 35 to 37, मतलब मैं एक्सपेक्ट तो मुझे पता ही था कि इस फ़ोन का प्राइस ज़्यादा होगा, बट मैं एक्सपेक्ट अभी भी कर रहा हूँ कि अगर ये फ़ोन को बहुत बिकना है या फ़ोन बहुत ज़्यादा चलना है तो 35 to 37 ये अगर इंडिया के अंदर लॉन्च होता है, जब ही मुझे लगता है ये और जो स्मार्टफोन्स को टक्कर दे पाएगा, वरना तो भाई ये फ़ोन ओवर प्राइज्ड होगा, फिर जो है वो OnePlus के जो रॉयल कस्टमर कहें, रॉयल फैंस कहें, वो ही लेंगे और ज़्यादातर वही होगा। तो आप लोग बताऊंगा कमेंट करके आप लोग क्या लगता है। वैसे मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अगर ये 40 के अबव जाता है तो, बट हाँ अगर आप लोग देखते हो। और iQOO 7 Legend भी इसका भाई वो है कॉम्पिटिटर, तो iQOO 7 Legend को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीजन है मेरे पास। एक तो नया ब्रांड है गाइस, दूसरा वहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं दिया गया, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं है, ब्लोटवेज आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो इसलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। अगर लेना चाहते हो तो फिर OnePlus 9RT ही ले लेना, थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा बट आप लोगों को अच्छी चीज़ मिल जाएगी, iQOO 7 Legend से बेटर है ये, ठीक है, तो याद रखिएगा। और हाँ फाइनली मैं लॉन्च के बारे में बात करता हूँ, तो कब से इसकी खबरें आ रही थी, पहले अक्टूबर में आएगा, देन नवंबर में आएगा। नवंबर में भी अभी कोई चांसेस नहीं लग रही है, क्योंकि अभी तक इन्हें ना अभी OnePlus का जो इवेंट हुआ था, जो नया Note 2 का एक नया एडिशन लेकर आया, उसमें भी कोई बात नहीं हुई। तो मुझे लगता है पर्सनली ये हो सकता है कि आपको दिसंबर में मिले, और दिसंबर में बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार, कब से फोन का इंतजार इंडिया में हो रहा है, कब से चाइना में लॉन्च हो चुका है, तो इंडिया में भी इनको लॉन्च कर देना था, बट आई थिंक हाँ बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है। तो अब जल्दी से जल्द OnePlus को इस फोन को लॉन्च कर देना चाहिए, वरना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी OnePlus को, मतलब अब कह सकते हैं सेल में इफेक्ट पड़ेगा। आप लोग बताओ आप लोग क्या लगता है, बट फोन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से फोन इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाए और अच्छी प्राइस के साथ लॉन्च हो, तो मेरे हिसाब से फोन बहुत ज़्यादा चल जाने वाला है। तो आप लोग कमेंट बताओ कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली वीडियो बनाने के लिए, और कभी कभार हाँ भाई छुट्टी हो जाती है, बट हाँ तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को क्या लगता है। आजकल भाई कॉन्टेंट जो है उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दैट्स वाई यहाँ पर जो है वो हमारी वीडियो मैंने अभी बीच में एक छुट्टी मार ली थी, तो वो अलग बात है, बट हाँ मेरी कोशिश रहती है कि डेली हम आपके लिए एक वीडियो तो बनाएं, और हमारी कोशिश हो भी रही है अच्छी। तो आप लोग सपोर्ट कर देना लाइक करके, एंड कमेंट करके बता देना क्या लगता है आपको इस फोन के बारे में, एंड बस इतना ही रखता हूँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।